हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग ट्रेंड। तो भाई लोग कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज का जो 1v1 है वो जो है खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से RVG जो क्वेटा जो है, जो कि ईट स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, अभी टूर्नामेंट भी प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से RVG क्वेटा खेलेंगे, जिनका हेड शॉट आपको दिखा देते हैं यार। तकरीबन यहाँ पे 48% है और 3.5 का KD है। और यहाँ पे आशु जो कि इंडिया से हमारे सर्वर में आए हैं, और इन्होंने अभी न्यू ID बनाई है यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत गेम वेम खेला भी है, 70 मैचेस भी खेल लिए हैं और 84 का हेड शॉट रेट भी कर लिया है यहाँ पर आके। न्यू ID बनाई है उन्होंने, हमारे कहने पर हमारे सर्वर पर आए। सो ये जो मैच है वो पाकिस्तानी सर्वर पर प्ले करा जा रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता यहाँ पे, पाकिस्तान के RVG क्वेटा जीतते या फिर आशु यहाँ पर विन करता है। कौन इन दोनों में से ज़्यादा अच्छे जो है वन टैप लगा पाएगा, कौन जल्दी खोपड़ी खोल पाएगा। भाई जो जो अभी तक जो है वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना यार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, शेयर में कोई कंजूसी नहीं। सो देखते हैं भाई यहाँ पर इंडिया के आशु वर्सेज पाकिस्तान के RVG क्वेटा, इन दोनों में से कौन ये वाला कस्टम जो है विन करता है। और यहाँ पर RVG क्वेटा भरपूर मूवमेंट स्पीड दिखाते हुए, और यहाँ पर आशु ड्रेसिंग में थोड़े से कम है क्योंकि इनके पास ID न्यू है। सो RVG क्वेटा काफ़ी करीब आ गए डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल, और आशु भी यहाँ पे डेजर्ट ईगल का ही यूज़ कर रहे हैं। सो देखते हैं भाई इन दोनों में से विन कौन करता। और यहाँ पर दोनों ही अभी तक वन टैप नहीं मार पाए। सो यहाँ पर फर्स्ट शॉट लग चुका है RVG क्वेटा को, और यहाँ पे एक और शॉट यहाँ पे मार दिया है क्वेटा को 54 का। यहाँ पे 67 का एक शॉट यहाँ पर आशु को भी पड़ चुका है, और 2 की वेस्ट है आशु के पास, और क्वेटा ने भी 2 की वेस्ट ली हुई है। दोनों को यहाँ पे लाइक दे देते हैं भाई, और देखते हैं अभी इन दोनों में से कौन विन करता है। हेल्थ आशु ने तो फुल कर लिया है, देखते हैं भाई क्वेटा ने, नहीं भाई क्वेटा ने अभी तक हेल्थ फुल नहीं करी, लेकिन अगर जिसको वन टैप पड़ गया वो तो डायरेक्ट फारिग हो जाएगा, यानी कि एक ही वन टैप तो एक ही पड़ता और डायरेक्ट बंदा ख़त्म। तो चल नहीं रहा, चल पड़ा, आई थिंक नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। और भाई पहला राउंड इंटरनेट की वजह से काफ़ी जो है मसला हो गया था नेट की वजह से। तो अभी यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया, RVG क्वेटा का नेट भी अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पर आज दो नाली बाय कर ली। ओ भाई एकदम से लेट क्यों गए हो। और यहाँ पर क्वेटा ने M10 बाय करिए, देखते हैं भाई दोनों में से कौन पहले एक दूसरे को वन टैप लगा सकता है। और आशु की बात करें भाई, इस रीजन में उसने न्यू ID में यहाँ पर 80% का हेडशॉट रेट करा हुआ है, और अपने रीजन में काफ़ी ही गेम करते हैं यार, कि वहाँ पर इनका 68 का हेडशॉट रेट है, और बहुत ही अच्छा गेम प्ले वहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर सेकंड राउंड RVG क्वेटा ने कर लिया है विन। सो गुड यार, पहला राउंड हार गया था RVG क्वेटा इंटरनेट की वजह से, और अभी सेकंड में भी इंटरनेट ग्लिचेस मार रहा है यार, ऐसा नहीं चलेगा। और भाई यहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है RVG क्वेटा और आशु के दरमियान, और यहाँ पे आशु थॉमसन यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्वेटा भाई जिन्होंने एक दो नाली, एक M10 और एक डेजर्ट ईगल, तीनों वन टैप वेपन यहाँ पर ली हुई हैं। देखते हैं यहाँ पर वन टैप लगाने में कामयाब होते हैं क्वेटा की नहीं। और यहाँ पर क्वेटा आज, ओ भाई साहब, लेकिन लगा हेड लगा था, लेकिन बॉडी शॉट के साथ लगे, और यहाँ पर वन टैप दे दिया है M10 का, बहुत ही ज़बरदस्त RVG क्वेटा। और अब मेरे ख्याल से इंटरनेट पूरी तरह से वापस आ चुका है RVG क्वेटा का, क्योंकि पहले राउंड में तो बिल्कुल इंटरनेट था, और सेकंड राउंड में भी काफ़ी ग्लिच मारे, लेकिन अब काफ़ी अपनी मूवमेंट स्पीड जो है दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं RVG क्वेटा। और यहाँ पर आशु जो अभी तक एक राउंड जीते हैं, वो भी RVG क्वेटा एलिमिनेट हो गया था यार वहाँ पर, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी फर्स्ट राउंड में। देखते हैं भाई अभी फोर्थ राउंड यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं कौन विन करता है। यहाँ पर आशु विन करके 2-2 बराबर कर देते हैं, या फिर यहाँ पर क्वेटा एक और की लीड यहाँ पर चढ़ा देंगे, और आशु भी अपनी मूवमेंट स्पीड दिखा रहे हैं यार, क्या ही ज़बरदस्त। और RVG क्वेटा की तरफ चलें भाई, इंटरनेट ठीक है ना भाई? हाँ इंटरनेट बिल्कुल बढ़िया नज़र आ रहा है। चलो भाई यहाँ पे फोर्थ राउंड स्टार्ट हो गया है, 2-on-1 की सिचुएशन है, क्वेटा 2 राउंड यहाँ पे जीत चुके हैं और आशु एक। अब देखते हैं क्वेटा दोबारा वन टैप लगाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। और यहाँ पे शॉट वन टैप की ट्राई करी, लेकिन बॉडी शॉट गया है काफ़ी, 50 तक HP चली गई यहाँ पर आशु की। और RVG क्वेटा बाहर वेट कर रहे हैं भाई, ग्लू तो नहीं फोड़ रहे, देखते हैं अभी आशु बाहर निकल के क्या आशु वन टैप मार सकते हैं RVG क्वेटा को। और यहाँ पर वन टैप की ट्राई, लेकिन नहीं भाई आशु यहाँ पर अटक ही गया, एकदम रुक गया। और यहाँ पर RVG क्वेटा ने
एक और वन टैप यहाँ पर चिपका दिया है। ओ भाई साहब, दोबारा हेलमेट उड़ा दिया, पूरे का पूरा खोपड़ी बाहर। आरवीजी कोयटा बहुत ही जबरदस्त भाई, यहाँ पर तीन राउंड आरवीजी कोयटा जीत चुके हैं, आशु को तीन दफा किल कर चुके हैं, और आशु जो अभी तक एक राउंड जीते हैं लेकिन किल नहीं हुआ है, वो भी एलिमिनेट हो गए थे आरवीजी कोयटा इंटरनेट की वजह से। सो यहाँ पर फिफ्थ राउंड अभी स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर आशु ने दो नाली बाय कर लिया है, और आरवीजी कोयटा ने दो नाली और M10 दो वेपन्स ले लिए, और साथ डेजर्ट ईगल भी, तीनों वेपन्स जो है वन टैप हैं। देखते हैं भाई अब दोबारा ये वन टैप लगा सकते हैं कि नहीं, दो इन्होंने लगातार वन टैप मारे हैं, अभी देखते हैं भाई तीसरा भी वन टैप मारेंगे कि नहीं। ओ भाई यहाँ पे चुरोनो पहले ही यूज़ कर लिया है ताकि बाद में मसला ना हो। हाँ चुरोनो एक तरह से चीटिंग समझा जाता है भाई, चुरोनो वो यूज़ मत करना वन वी वन। और यहाँ पर एक बॉडी शॉट आरवीजी कोटा की जानिब से, और एक और बॉडी शॉट, और होपफुली अब वन टैप लगा देंगे आरवीजी कोटा। ओ भाई नहीं, ये वाला हो जाता है, ये वाला अगर वन टैप ग्लू नहीं लगाता तो ये वन टैप पड़ जाना था। यहाँ पर 100 की HP आशु की चली गई है, तो देखते हैं भाई अभी आरवीजी कोयटा यहाँ पर वन टैप लगा सकते हैं या आशु कमबैक करेंगे, और यहाँ पर आरवीजी कोयटा को एक शॉट से खोपड़ी खोल देंगे, और यहाँ पर वन टैप की ट्राई, लेकिन ग्लू वॉल काफ़ी फास्ट है भाई, आरवीजी बहुत ही फास्ट ग्लू वॉल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आरवीजी पहले दोनों बाहर जाओगे क्या, ये लो भाई दोनों बाहर चले गए पहले। लो भाई हेल्पफुल करने के बाद दोनों जानब से अब दोबारा वन ही वन की फाइट हो गई यहाँ पे स्टार्ट, और देखते हैं कौन किसको यहाँ पर वन टैप पहले रोकता है और राउंड विन करता है। और आरवीजी कोयटा ने यहाँ पर एक और बॉडी शॉट दे दिया है आशु को, और आशु एक बॉडी शॉट एक छोटा सा हेड लगा है भाई 54 का, और यहाँ पर 74 की HP कोयटा की रहेगी, और कोयटा यहाँ पर आशु को लेके जा चुके हैं। सो काफ़ी बढ़िया राउंड जीता है चौथा वाला भी, चार राउंड यहाँ पे कोयटा जीत चुके हैं, एक राउंड यहाँ पर आशु, और दो राउंड यहाँ पर कोयटा ने वन टैप मारकर जीते हैं, और दो बॉडी शॉट मारकर बराबर लेके चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। अब मेरे ख्याल से हेड मार के जीतेंगे पांचवा राउंड, फिर छठा राउंड बॉडी शॉट से, फिर सातवां राउंड हेड शॉट से। आई थिंक ये इन्होंने पूरी सीरीज चलानी है इस तरह की, लेकिन देखना यह है कि आशु कब कमबैक करेंगे, और आशु बार बार दो नाली का ही इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और कोयटा बार बार दो नाली के साथ साथ M10 भी लेते हैं, दो नाली भी यूज़ करते हैं और M10 भी, दोनों ही दोनों वेपन यूज कर रहे हैं। लो भाई यहाँ पर इंडिया से आशु अब करीब आ चुके हैं, 1v1 यहाँ पर स्टार्ट हो गया राउंड नंबर 6। देखते हैं अभी यहाँ पर आशु वन टैप लगाते पहले यार कोयटा, और ओ भाई साहब यहाँ पर 120 की HP यहाँ पे आरवीजी कोयटा की चली गई है, आशु ने काफ़ी अच्छा शॉट मारा है लेकिन हेड नहीं लगा, बदकिस्मती से हेड शॉट नहीं लगा यहाँ पर। ओ भाई साहब यहाँ पे आरवीजी कोयटा ने एक और वन टैप चिपका दिया है, 5 राउंड यहाँ पर विन कर चुका है आरवीजी कोयटा, और आशु ने अभी तक एक ही राउंड विन करा है। आरवीजी कोयटा फ्रॉम पाकिस्तान, और यहाँ पर तीन वन टैप यहाँ पर भाई लगा चुके हैं, 5 राउंड अपने नाम कर दिए आरवीजी कोयटा ने, और आशु की जानिब चलें तो अभी तक एक ही राउंड विन करा है, और कोई भी वन टैप भी नहीं मारा भाई अभी तक, क्या सीन कर रहे हो, कम ऑन, क्या आशु कम बैक कर पाएगा या आरवीजी कोयटा इसी तरह वन टैप देता जाएगा। बस जिस जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट लाजमी करा करो यार, जो भी जैसी भी वीडियो लगे, नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की देखनी है और कोई आप सजेशन हो वो भी कमेंट में लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके सबके साथ फ्रेंड के साथ शेयर भी करा करो भाई लोग। और यहाँ पर आशु वर्सेस आरवीजी कोयटा राउंड नंबर 7 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, देखना ये कि कौन कौन सी गन से पहले वन टैप लगाते हैं। यहाँ पे 30 का शॉट आरवीजी कोयटा ने मार दिया है, और दो नाली का इस्तेमाल, लेकिन नहीं भाई कोई भी शॉट नहीं है, ना डेजर्ट ईगल से हेड लगा ना दो नाली से, एक और मिस शॉट। और आशु की जानिब चलें तो क्या आशु इस मतलब वन टैप मार पाएंगे, क्या अपना 70 का हेड शॉट रेट जो इंडियन रिजर्व मैन का है वो दिखा पाएंगे, और यहाँ पर हेड शॉट दे दिया भाई आशु ने, छोटा सा कमबैक यहाँ पे करा, फर्स्ट राउंड अपने नाम कर लिया है, ऐसे ही नहीं है भाई आशु का हेडशॉट रेट इतना, तो अब शायद आशु भी लगातार बहुत सारे राउंड जीते, क्योंकि यहाँ पर एक हेडशॉट लगा के दिखा दिया भाई कि अब मैं कमबैक कर लूँगा, तो होपफुली अब तगड़ा मैच देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा था पिछला वाला हेडशॉट, सही खोपड़ी खुली है उसके अंदर कोयटा की। और यहाँ पर आरवीजी कोयटा वर्सेज आशु फ्रॉम इंडिया राउंड नंबर 8 यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और आरवीजी कोयटा 1v1 वाली प्लेस पर आ चुके हैं, और ग्लू वॉल लगा के पता नहीं बता रहे हैं भाई इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा,
यस बता रहे हैं भाई, जल्दी पहुंच वहां पर फाइट होगी। और यहां पर आशु भी मैदान में आ चुके हैं भाई, और यहां पे ग्लू वॉल का इस्तेमाल। लो भाई यहां पे राउंड नंबर 8 का 1v1 स्टार्ट हो गया। 5 राउंड यहां पे आरवीजी कोटा अपने नाम कर चुके हैं, और यहां पर 2 राउंड आशु भी अपने नाम कर चुके हैं। अब दोनों जानिब से डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल हो रहा है, और अब दोनों ने आई थिंक दो नाली निकाल ली है। ओ भाई साहब दो नाली, ओपी। यहां पर आरवीजी कोटा ने अगेन वन टैप मार के राउंड नंबर 8 विन कर लिया है, और 8 में से टोटल जो है 6 राउंड आरवीजी कोटा ने विन करें, और 6 में से मेरे ख्याल से 4 वन टैप मार के विन करें यार। आई थिंक 4 वन टैप मारे हैं, 2 बॉडी शॉट में जो है बंदे जो आशु को ख़त्म करें। और इंडिया की जानेब से जो आशु हैं उन्होंने अभी तक एक ही वन टैप मारा। मेरे को लगा यार बहुत ही ख़तरनाक टक्कर देंगे आशु, लेकिन यहाँ पर आशु काफ़ी वीक दिखाई दे रहे हैं। हेड शॉट रेट के मुताबिक उतना गेम नहीं कर पा रहे जितना इनका हेड शॉट रेट है इनके अपने रीजन में, और जितना यहाँ पर इन्होंने अभी बरकरार रखा हुआ है। सो अपने रीजन में जो है 70 या 68 इतना हेडशॉट रेट है इनका, और जहाँ पर भी अभी 80% हेडशॉट रेट से चल रहे हैं। सो देखते हैं। ओ भाई साहब आरवीजी कोटा ने यहाँ पर डेजर्ट ईगल का वन टैप लगा के राउंड यहाँ पे और कस्टम फिनिश कर दिया है, और आरवीजी कोटा ने इजीली ये पाक वर्सेस इंडिया वाला कस्टम जो है कर लिया है विन, और 7 में से 5 राउंड हेडशॉट मार के यानी कि वन टैप मार के यहाँ पर विन करे गए हैं आरवीजी कोटा की जानिब से। और यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो फर्स्ट 1v1 था भाई, और वो विन कर लिया है आरवीजी कोटा ने, यानी कि पाकिस्तान ने विन कर लिया यहाँ पर। तो वेल प्लेड बाय बोथ भाई, बहुत बढ़िया यहाँ पर इंडियन रीजन के आशु ने तारीफ भी कर दी है भाई। तो अभी के लिए इतना ही यहाँ पर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का यहाँ पर फर्स्ट 1v1 था, तो जो आरवीजी कोटा यानी कि पाकिस्तान ने विन कर लिया है, और आशु भाई वेल प्लेड। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। जो जो अभी तक वॉच करो वीडियो को लाइक करना, टेक केयर एंड बाय बाय। Change.